In this question, we want to determine a and b if 7 plus root 5 upon 7 minus root 5 minus 7 minus root 5 upon 7 plus root 5 is equal to a plus 7 b root 5. So again, actually, मैं जब भी हमारे पास में ऐसा कोई टर्म होती है, let's say a plus root b, तो हम इसे डिनोमिनेटर में, तो हम इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? a minus root b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है? सी, ये a plus root b और a minus root b का जाता है बनके a square minus b हो जाता है, और ये हो जाता है रैशनल टर्म. तो जनरली डिनोमिनेटर को जब भी हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये 7 minus root 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे 7 plus root 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ पे है 7 minus root 5 और यहाँ पे है 7 plus root 5, तो ये दोनों एक दूसरे को रैशनलाइज कर देंगे. तो सिंपली इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा. तो एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7 plus root 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 minus root 5 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे 7 plus root 5 है, तो क्रॉस ये 7 minus root 5 वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ जगह हमारे पास में 7 minus root 5 into 7 plus root 5. अब हमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. वो क्या होती हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 2ab, इट व्हिच मींस 14 रूट 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इज 5 माइनस फिर रहेगा 7 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 49 माइनस ऑफ माइनस रूट बी का जाएगा, यहां से ये आ जाएगा माइनस 2ab का हो जाएगा यहां पे, which is equal to minus 14 root 5, तो minus और minus होके हो जाएगा plus root 14 root 5, and then आ जाएगा minus of what 5. अब denominator में क्या आएगा हमारे पास में, simplify करेंगे तो denominator में आ जाएगा हमारे पास में क्या आ रहा है, let's see हमारे पास में क्या आएगा, तो 7 का square minus यहाँ से जाएगा 7 का square minus root 5 का square, which is equal to 5. अब इसे simplify कर लेते हैं, तो प्लस 49 से माइनस 49 कैंसिल आउट, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल आउट, और हमारे पास में टर्म क्या बची, ओनली 28 रूट 5, तो 28 रूट 5, और अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास में 7 स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 5 इज 44. सो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अगर हम इसे क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, 2 से, तो 14 अपॉन व्हाट, 14 अपॉन 22 हो जाएगा ये, या मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 11 रूट 5. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज इक्वल टू a प्लस 7b रूट 5, तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू a प्लस 7b रूट 5. तो हमें और हमेशा पता है कि कोई भी इरेशनल टर्म हमेशा इरेशनल टर्म के इक्वल होती है, और रैशनल टर्म रैशनल टर्म के इक्वल होती है. तो यहां पे यह है रैशनल टर्म a, है ना, और यहाँ पे रैशनल टर्म क्या है, जीरो, तो इट मींस a की वैल्यू क्या जाएगी, a इज इक्वल टू जीरो, है ना. अब इरेशनल टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 7 बाई 11 के, तो 7b इज इक्वल टू 7 बाई 11, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, b इज इक्वल टू 1 बाई 11. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू 1 बाई 11.